नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़े खबर की। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना लाया गया है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसे लेकर पटना पहुंची है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम मनीष कश्यप से पूछताछ कर रही है। आप बता दें कि तमिलनाडु प्रकरण से कई सारे मामले जुड़े हुए हैं जिस पर उनसे पूछताछ की जा रही है। फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप की भूमिका पर सवाल पूछे गए। आर्थिक अपराध इकाई की टीम यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिमांड पर भी ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता दें कि ईओयू टीम की दबाव की वजह से ही आज मनीष कश्यप ने पहले सरेंडर किया था, जिसके बाद अब उन्हें पटना लाया गया है और पटना में उनसे पूछताछ की जा रही है। ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है, साथ ही तमिलनाडु से 3 सदस्यीय टीम भी पटना पहुंची हुई है, उन्होंने भी पूछताछ शुरू कर दी है। और पूछताछ में कई सारे ऐसे सवाल तमिलनाडु मामले से जुड़े हुए, क्योंकि तमिलनाडु मामले पर फेक वीडियो जारी करने का, प्रचार करने का आरोप इन पर लगा हुआ है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आज ईओयू की टीम यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिमांड पर भी ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह ही पुलिस की टीम ने घर पर कुर्की जब्ती भी की थी। और आपको बता दें कि ईओयू की टीम लगातार दबिश दे रही थी और इसी के तहत मनीष कश्यप ने आज सरेंडर किया, जिसके बाद अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तमिलनाडु हिंसा वायरल वीडियो मामले पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और आरोपी मनीष कश्यप के सरेंडर के बाद जगदीशपुर थाने के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जगदीशपुर थाने के बाहर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने कई लोगों को मौके से खदेड़ा है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो थाने के बाहर अभी भी जमे हुए हैं। लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसी बीच बेतिया एसपी का भी बयान सामने आया है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के मुताबिक पुलिस और ईओयू की दबिश बढ़ने के कारण आरोपी मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है। जरा सुनिए एसपी ने क्या कुछ बताया। आप विगत कुछ दिनों से देख रहे थे कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और साथ ही साथ बेतिया जिले में भी एक केस पेंडिंग था, जिसमें जो लीगल प्रोसीजर था वो आगे बढ़ रहा था और कल उसकी कुर्की निकाली गई थी और आज सुबह में उसकी कुर्की भी की जा रही थी और कुर्की भी कंप्लीट हो गया। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई की। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना लाया गया है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसे पटना लेकर पहुंची है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम मनीष कश्यप से पूछताछ कर रही है। तमिलनाडु प्रकरण से जुड़े कई मामलों पर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप की भूमिका पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिमांड पर भी ले सकती है। पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कितने देर से पूछताछ चल रही है और क्या लगता है किन किन सवालों के जवाब ढूंढेगी ईओयू की टीम? देखिए, बिल्कुल जगदीशपुर थाने में जो बेतिया में पड़ता है वहां पर मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था और चूंकि इस पूरे मामले जो तमिलनाडु प्रकरण है, इस पूरे मामले की एफआईआर पटना के आर्थिक अपराध इकाई थाने में दर्ज की गई है और कई जो मामले हैं वो दर्ज किए गए। एक मामला दर्ज किया गया फर्जी वीडियो के आधार पर, जो बताया गया है कि पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में फर्जी वीडियो बना था। और इसके अलावा एक और जो उन्होंने अपने, ये नहीं कह सकते, एक ट्विटर हैंडल पे एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें मनीष कुमार की गिरफ्तारी की तस्वीर लगाई गई थी, तो इस मामले में भी एफआईआर दर्ज किया गया था। तो इन दोनों मामले में उनसे पूछताछ चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछताछ इंटरोगेट कर रही है ईओयू की टीम कि जो तमिलनाडु में हिंसक वाला वीडियो था, उस वीडियो को कैसे उन्होंने ट्विटर पर अपने डाला था और कैसे वो वीडियो बना, सारी चीजों की जानकारी लेना चाह रही है। चूंकि बेतिया में जगदीशपुर थाने में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनको लेकर पटना के लिए पहुंची है और फिलहाल जो वरीय अधिकारी है वो खुद पूछताछ में लगे हुए हैं। कई अहम जानकारियां जो है वो हाथ, चूंकि ये दो मामलों का, दो राज्यों का मामला जुड़ा हुआ है और कई ऐसे सवालात हैं जो मनीष कश्यप के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और उसका जवाब
जा रही आर्थिक अपराध इकाई की टीम, और इसके अलावा एक ट्विटर हैंडल पर जो फोटो वायरल किया गया था, ये हालांकि मनीष कश्यप ने कहा था कि ये उनका फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया था। बहरहाल पूछताछ जारी है, और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का ये भी कहना है कि आवश्यकता अनुसार, चूंकि अभी 24 घंटे का समय है, आज ही उन्होंने सरेंडर किया जगदीशपुर थाने में बेतिया में, तो अभी 24 घंटे का समय है और आगे की पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर लिया जा सकता है और फिर कोर्ट से प्रे किया जाएगा। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।